आज हम सीखेंगे पूर्ण संख्याओं के कुछ दिलचस्प प्रतिरूप। संख्याओं के दिलचस्प प्रतिरूप यानी पैटर्न हो सकते हैं, जैसे यहाँ पूर्ण संख्याओं का एक प्रतिरूप दिया गया है। यह प्रतिरूप और कुछ नहीं बल्कि त्रिभुजों के रूप में बिंदुओं की व्यवस्था है। ऐसी संख्याएं जिन्हें त्रिभुज के रूप में व्यवस्थित किया जा सकता है, इन्हें त्रिभुजाकार संख्याएं यानी ट्रायंगुलर नंबर्स कहते हैं। पंछियों का झुंड भी कई बार त्रिभुज के आकार में उड़ता है। इसी तरह कई बार हवाई जहाज भी त्रिभुज का आकार बनाते हुए उड़ते हैं। इनकी संख्या भी त्रिभुजाकार संख्या ही होती है। क्या आप अगली तीन त्रिभुजाकार संख्याएं बता सकते हैं? सोचिए सोचिए। आसान है। अगर आप अगली संख्या से पिछली संख्या को घटाते हैं तो आपको इस तरह का क्रम प्राप्त होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक में दो जोड़कर तीन प्राप्त होते हैं। इसी तरह तीन में तीन जोड़कर छह, छह में चार जोड़कर दस और दस में पांच जोड़कर पंद्रह प्राप्त होते हैं। इस क्रम के आधार पर पंद्रह में से छह जोड़कर अगली संख्या इक्कीस प्राप्त होगी। इस तरह इक्कीस में सात जोड़कर संख्या अट्ठाईस और अट्ठाईस में आठ जोड़कर संख्या छत्तीस प्राप्त होगी। आइए एक और पैटर्न देखें। अगर हम एक, चार, नौ, सोलह इत्यादि संख्याओं में कोई एक संख्या लेते हैं तो इस संख्या को बिंदुओं के वर्गों यानी स्क्वायर के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इसलिए इन संख्याओं को वर्गाकार संख्याएं यानी स्क्वायर नंबर्स कहते हैं। क्या आप इन संख्याओं से कोई संबंध प्रस्थापित कर सकते हैं? विचार करें। यहाँ एक गुना एक होता है एक, दो गुना दो बराबर चार होता है, तीन गुना तीन बराबर नौ होता है, चार गुना चार बराबर सोलह होता है। इसी तरह अगली संख्या पांच गुना पांच बराबर पच्चीस होगी। इस समझ के आधार पर आप और वर्गाकार संख्याएं पता कर सकते हैं। व्यवहारिक जीवन में कई बार हमें मौखिक कलन यानी वर्बल कैलकुलेशंस करना आवश्यक हो जाता है। पैटर्न की समझ से मौखिक कलन आसानी से किया जा सकता है। जैसे इस पैटर्न को देखें। यहाँ 1423 धन 9 को आसान बनाने के लिए 1423 में 10 मिलाए हैं और 1 घटाया है। इसी तरह 1423 धन 99 को आसान बनाने के लिए 1423 में 100 मिलाए हैं और 1 घटाया है। क्या आप 1423 धन 999 को इसी प्रकार हल कर पाएंगे? ये इस प्रकार हल किया जा सकता है। क्या आप 9, 99, 999 इत्यादि संख्याओं के व्यवकलन के लिए कोई पैटर्न पता कर सकते हैं? सोचिए सोचिए। यहाँ 9 को घटाने के स्थान पर पहले हम 10 को घटाएंगे और फिर 1 जोड़ेंगे। यहाँ 99 को घटाने के स्थान पर पहले हम 100 को घटाएंगे और फिर 1 जोड़ेंगे। इसी प्रकार यहाँ 999 को घटाने के स्थान पर पहले हम 1000 को घटाएंगे और फिर 1 जोड़ेंगे। ठीक इसी तरह हम गुणन के लिए भी पैटर्न देख सकते हैं। वीडियो रोककर इस पैटर्न को समझें। यहाँ हमने 9, 99, 999 को गुना करने के स्थान पर 10 ऋण 1, 100 ऋण 1 और 1000 ऋण 1 से गुना किया है। व्यवकलन पर गुणन के वितरण गुण यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के उपयोग से इन्हें इस तरह लिखा जा सकता है और आसानी से हल किया जा सकता है। इस तरह से आज हमने सीखा पूर्ण संख्याओं के कुछ दिलचस्प प्रतिरूप। अगले वीडियो में हम पूर्ण संख्याओं के पैटर्न या प्रतिरूप के कुछ उदाहरण देखेंगे।